जो खलाफत उस्मानिया का दौर है, 1300 ईस्वी के आगाज़ में खलाफत उस्मानिया की बुनियाद रखी गई, जो कि तकरीबन 1923 तक रही। तो इसमें खलाफत उस्मानिया में तकरीबन 37 खुलाफा रहे हैं। 640 साल के करीब खलाफत उस्मानिया का दौर रहा। ये उस वक़्त की बात है कि जब तातारी फितना बगदाद आया, तकरीबन 22 से 24 लाख मुसलमानों का कत्लेआम किया गया। 2.5 मिलियन मुसलमानों के खून से दरियाए दजला हफ्तों सुर्ख रहा। तो उसके मुकाबले में उस वक़्त सल्तनत उस्मानिया की या खलाफत उस्मानिया की तश्कील की जद्दोजहद शुरू थी। हुर्तुगरुल सुलेमान शाह का बेटा था, कुनिया तुर्क का इलाका, उस वक़्त सुल्तान अलाउद्दीन सलजूकी की सल्तनत का हेड क्वार्टर था। तो सुल्तान अलाउद्दीन सलजूकी की भतीजी हलीमा सुल्तान की शादी हुर्तुगरुल से हुई। उनके 3 बेटे हुए, जिनमें से सबसे छोटे बेटे का नाम उस्मान था। उस हुर्तुगरुल ने तातारी फितनों और सलीबी फितनों के खिलाफ जंगें जारी रखी और एक नई इस्लामी सल्तनत, जिसका नाम खलाफत उस्मानिया रखा गया, उसकी बुनियाद की दाग बेल डाली। जब इसका बेटा उस्मान जवान हुआ तो उसके नाम पे उसको उस्मान अव्वल भी कहा जाता है, क्योंकि खलाफत उस्मानिया में बाद में भी कई उस्मान आए, तो उसको उस्मान अव्वल बिन तुगरुल कहा जाता है। तो जो हुर्तुगरुल था, हुर्तुगरुल के रूहानी रहनुमा, पेशवा, मुर्शिद के, जिनसे वो लम्हा बा लम्हा रहनुमाई हासिल करता रहा, उनका नाम शाह अकबर मुहय्युद्दीन इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह अलैह है। ये शाह अकबर कितनी बड़ी हस्ती हैं, इसका तज़किरा फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल रब्बे ज़ुल जलाल ने मौका दिया तो करूँगा। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि जो उस्मान बिन हुर्तुगरुल है, इसको एक मर्तबा बस्ती वालों ने बाहर निकाल दिया। जैसे अच्छे बंदे को बुरे बंदे चंगे नहीं लगते ना, इसी तरह बुरे बंदों को भी अच्छे इंसान बर्दाश्त नहीं होते हैं। तो जब उस्मान बिन हुर्तुगरुल को बस्ती वालों ने बाहर निकाल दिया, तो ये परेशान हाल अपने मुर्शिद के पास गए और जाके सारा माजरा सुनाया कि मुझे कैसे बस्ती वालों ने निकाल दिया है। तो वो फरमाने लगे कि परेशान ना हो, ये हुजरा है, खाली पड़ा हुआ है, यहाँ रात गुजार ले, अल्लाह ताला जला शानुहु बेहतर करे। तो उस्मान कहते हैं, जब मैं सोने लगा तो मेरी आधी से ज़्यादा रात बीत चुकी थी, करवटें बदलते हुए, इतनी बेचैनी थी, मैं बर्दाश्त बयान नहीं कर सकता। जब कुछ समझ ना आई कि मुझे करवटें बदल बदल के नींद क्यों नहीं आ रही, तो उठ बैठा। जब देखा तो जिस तरफ मेरे पांव थे, उस्मान कहते हैं कि उस तरफ कुरान करीम पड़ा हुआ था। कहते हैं मेरे पांव कुरान करीम की तरफ रहे, बस इस ख्याल से रोना शुरू कर दिया और रब्बे जुल जलाल से मुआफ़ियाँ मांगने लगे कि या रब्बे करीम, गलती से पांव हो गए, जान बूझ के नहीं किए। उधर वो रो रहे हैं। कुछ वक़्त गुजरा तो आपके मुर्शिद ने दरवाज़े पर दस्तक दी। दरवाज़ा खोला तो मुर्शिद खड़े हैं, फरमाने लगे कि यार, मैं तुझे मुझे ख्वाब में एक बशारत दी गई है, वो मैं तुझे सुनाने आया। कहा क्या? तो फरमाने लगे, उस्मान बिन हुर्तुगरुल के मुर्शिद फरमाने लगे कि भाई, कुरान करीम ने रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में सिफारिश की थी, वो कबूल कर ली गई है, और बशारत देने वाले ने मुझे कहा है कि उस्मान को बता दे कि कुछ अरसे बाद ही ये इस इलाके का बादशाह होगा। उस्मान कहने लगे, मुझे तो बस्ती वालों ने निकाल दिया है भाई, बस्ती वाले तो मुझे बस्ती में रहने नहीं दे रहे, बस्ती में रहने को तो मेरे लिए जगह नहीं, और आप फरमा रहे हैं कि मुझे इस इलाके का बादशाह मुंतखब कर लिए। कहा भाई, मैं तुझे ये पैगाम देने आया था कि रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में कुरान करीम ने जो सिफारिश की है, वो रब ने कबूल फरमा ली, और रब की तरफ से ये बशारत है।
अब उस्मान बिन उर्तुगरुल मसनद पे बैठा, तो मसनद पे बैठ के उस्मान ने जो पहला हुक्म नाफिज किया, जो पहला कानून पास किया, वो ये था कि जब कुरान करीम को अदालत में लाया जाएगा, आज भी गवाही देने के लिए लाया जाता है ना, तो हुक्म उस्मान ने ये नाफिज किया कि जब कुरान करीम को अदालत में लाया जाएगा तो जज कुर्सी पे नहीं बैठा रहेगा बल्कि खड़ा हो के कुरान करीम का इस्तकबाल करेगा, और जितने भी बंदे अदालत में मौजूद होंगे वो भी बैठे नहीं रहेंगे बल्कि वो भी खड़े होकर कुरान करीम का इस्तकबाल करेंगे। और जब तक कुरान अदालत में मौजूद रहेगा कोई भी बंदा बैठ नहीं सकेगा। तो तारीख गवाह है कि जिसने कुरान करीम का अदब किया है उसके भले रब ने कैसे किए हैं, और जिन्होंने कुरान करीम की बेअदबी की है फिर उनका अंजाम भी तारीख में पढ़ के देख लें। तो रब जुलजलाल कुरान करीम के फैज से हमें मुनव्वर होने की तौफीक अता फरमाए। अनिल हम्दुलिल्लाही रब्बिल आलमीन।